हैं दिनांक 4/3/2021 को चोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगा के उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। विगत उस बार लगातार छापामारी करके पकड़ी गई है।